दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपको गाइस 12 वोल्ट मशीन की पूरी डिटेल्स में आपको आज हम 12 वोल्ट मशीन दिखाने वाले हैं कि 12 वोल्ट मशीन कितनी बड़ी होती है, 12 वोल्ट मशीन कितनी दाम होती है, घंटे में कितना तेल पेती है, ये मशीन हमें खरीदना चाहिए कि नहीं। आज हम आपको पूरी डिटेल्स में मशीन को दिखाकर लाइव बताने वाले हैं। बस वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप तेल के धंधा करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर दोस्तों देखिएगा। आज हम आपको पूरी जितना भी मन में टेंशन दिक्कत होगी सब आज आपको दूर कर देंगे इस मशीन के बारे में। दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर बने रहेगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये रही तेल पेने वाली मशीन, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये दोस्तों 12 वोल्ट की मशीन है। ये मशीन अभी बंद है इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पूरी तरह से डिटेल्स हम आपको आज इस मशीन की देने वाले हैं। ये दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे 12 वोल्ट की मशीन, ये मशीन दोस्तों कुछ इस तरह की दिखती है। यहाँ पे देखिए इसका चैम्बर है मित्रों, इस चैम्बर में दोस्तों आप एक बार 70-80 किलो माल को डालकर पेल सकते हो, आप इस मशीन को लाइन या इंजन से चला सकते हो। हमारे यहाँ लाइन की सुविधा नहीं, तो दोस्तों हम इसे इंजन से आप चलाते हैं। देखिए इंजन यहाँ पे है, ये दोस्तों कुछ तेल पीने वाली मशीन इस तरह की है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए इसका तेल गरता है, यहां से इसकी तेल गरता है। यहाँ पे देखिए बाल्टी में आप तेल को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका बरम लगा हुआ होता है, बरम दोस्तों एक्सपेलर का मेन पार्ट माना जाता है। ये हम आपको दिखाते हैं, ये आप जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहां से इसका अंदर वाला पार्ट में बरम लगा हुआ होता है। पूरा हम मशीन को खोल के दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहां पे, देखिए ये 12 वोल्ट की मशीन, इसके अंदर दोस्तों ये जो पाइप लगा हुआ है इसके अंदर बरम लगा हुआ होता है। यहां से बरम दोस्तों लगता है, बरम जैसे जैसे खियाता दोस्तों वैसे वैसे तेल की मात्रा बढ़ने लगती है। अगर बरम यहाँ पे खियाया तो तेल यहाँ से गिरना चालू हो जाएगा। सोचो जब बरम नया रहता है दोस्तों तो 4 या 5 बार आपका सारा तेल गर जाएगा। देखिए आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, आपको अगर धंधा चालू करना है दोस्तों तो आप इतनी अपना काम, अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है तो आप इतनी बड़ी मशीन को जरूर ले सकते हो और अपना धंधा काम चालू कर सकते हो। आइए हम आपको इस ओर ले चलते हैं मशीन के। यहाँ पे आप देखिए मित्रों, यहाँ पे खल गिरती है और इसका चैम्बर आपको हम दिखाते हैं कि कितना बड़ा एवं चौड़ा होता है। देखिए आप यहाँ पे राय को डाला जाता है, 70 या 80 किलो राय आप इस मशीन में डाल के पेट सकते हो। देखिए आप यहाँ पे इसका पुली लगा हुआ है, यहाँ से मशीन चलती है। यहाँ पे दोस्तों राय गिरता है और राय यहाँ गिरती है दोस्तों, और यहाँ पे जाते जाते यहाँ तेल पिरती है, यहाँ पे पिरती है और नीचे तेल गिरता है। तो आपको सरसों का अगर बिजनेस दोस्तों करना है तेल, आप पैक कर सकते हो टीना जार या 5 लीटर जार में आप, और तेल को सप्लाई कर सकते हो। ये देखिए मशीन की आपको हम लंबाई दिखाते हैं दोस्तों, 12 वोल्ट मशीन की लंबाई देखिए, 12 वोल्ट मशीन कुछ इतना लंबा होता है दोस्तों। ये मशीन दोस्तों अगर आप लेना चाहोगे तो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये मशीन ऑर्डर से मिलता है, ये मशीन जल्दी किसी पास अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन जिसे धंधा करना होता है वही लेता है। आपको अगर तेल का प्लांट खोलना है तो आप इतनी बड़ी मशीन ले सकते हो और आप तेल का धंधा कर सकते हो। मगर आपको अगर छोटा मोटा धंधा करना है दोस्तों, अगर गाँव में आपको राय पेनी है, सरसों पेनी है और तेल बेचना है, तो आप 6 वोल्ट की मशीन ले लो, 6 वोल्ट की मशीन आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको धंधा करना है तो आपके लिए ये बेस्ट मशीन है, आप ये मशीन लो। कुछ ये है 12 वोल्ट मशीन की खासियत, आप हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आपको अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।